हेलो दोस्तों, विद्या विकास क्लासेज में मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि तो मेरी आवाज है, क्लियर है क्या? मेरी आवाज क्लियर हो तो आप वीडियो को शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़े। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, इसके बाद हम लोग अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। अंचल सिंह जी करिए हाय, आदित्य सिंह जी है गुड इवनिंग सर, आरव वर्मा जी है गुड इवनिंग सर, अंकित पाठक जी है हाय, उसके बाद आदित्य सिंह जी हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़े, इसके बाद हम लोग अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं, ठीक ना? एक बार सभी लोग वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़े। हिमांशु यादव जी है गुड इवनिंग सर, और कमेंट करिए आप लोग। देखिए हम लोग कल की क्लास में जो 12.2 है इसके सवालों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ज्ञानदीप कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, कल की क्लास में हम लोग 12.2 के सवालों को सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोग जो 12.2 था इसमें हम लोग 11 तक के सवालों को सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग इसके 12वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, साथ साथ वीडियो को आप लाइक भी करिए। सर सबका नेट पैक खत्म हो गया है, हिमांशु यादव जी कह रहे हैं, रवि कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, आप वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए हम लोग जो 12.2 है इसके पर हमें सवाल को हम लोग लेते हैं आज की क्लास में। इसका पर हमारा सवाल देखिए क्या कह रहा है, जो 12.2 है इसका पर हमारा सवाल मैं ले रहा हूं क्योंकि मैं 11 तक के सवालों को इसके पहली क्लास में मैंने सॉल्व करवाया था आपसे। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन 12 है यहां से इस क्लास को प्रारंभ करते हैं, ठीक ना? देखिए पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को
चेतावनी दी जा सके, यही सवाल आपको है। तो यहाँ पे मैं पूछूं आपसे कि जो कोड दिया है वो कोड कितना दिया तो बताओगे। कोड इक्वल टू, कोड का मान यहाँ पे थीटा का मान आपको दिया सवाल में 80 डिग्री दिया है, मतलब यहाँ पे कोड आपको दिया है कितना डिग्री है तो बताओगे 80 डिग्री है, ठीक ना। उसके बाद आपको यह कह रहा है सवाल में कि जो त्रिज्याखंड है वह 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश को फैलाता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो 16.5 किलोमीटर दिया है वह क्या होगा तो बताओगे त्रिज्याखंड की त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्याखंड की त्रिज्या को आप r से प्रिंट करते हो तो r इक्वल टू 16.5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको पता चल गया जा रहा है कि जो प्रकाश फैल रहा है वह त्रिज्याखंड, जो त्रिज्याखंड बन रहा है उस त्रिज्याखंड की त्रिज्या r इक्वल टू आपको 16.5 किलोमीटर पता होगी, ठीक ना। यह सवाल में आपको दिया है, और सवाल में कह रहा है कि जो पाई होगी उस पाई का मान आपको रखना है, पाई का मान आपको रखना है 3.14 रखना है, ठीक ना। यहाँ पे सवाल में आपसे कह रहा है कि पाई का मान आप लगे 3.14, तो आपसे पूछ रहा है कि जो त्रिज्याखंड बन रहा है उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता करना है तो यहां बताओगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू बताओगे, आप फार्मूला जानते हो, थीटा अपान 360 डिग्री अगुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पे थीटा का मान सवाल में दिया आपके 80 डिग्री, तो थीटा का मान रखोगे 80 डिग्री अपान 360 डिग्री है तो 360 डिग्री रख दीजिए आप अगुणे पाई का मान सवाल में 3.14 दिया है तो पाई की जगह आप रख लीजिए 3.14 कर लीजिए अगुणे। अगर पूछो आपसे आर क्या है तो आर को बताओगे त्रिज्याखंड की त्रिज्या है, और सवाल में त्रिज्याखंड की त्रिज्या आपके सवाल में दिया है 16.5 किलोमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिखोगे आप तो 16.5 × 16.5 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है, इसको आप आर गुणे आर लिख सकते हो, तो आर का मान 16.5 है गुणे 16.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो बताओगे 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और इसको 4 से काट रहे हो तो यहाँ पे 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 × 3.14 × 16.5 × 16.5 हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा तो बताओगे अपान में 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 3.14 में करना है, और फिर उसका मल्टीप्लाई 16.5 में करना है, और फिर उसका मल्टीप्लाई 16.5 में करना, मतलब ऊपर वाले पोर्शन का मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाले पोर्शन का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है उसमें 9 से भाग करना है। तो जब आप क्या करोगे इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और साथ साथ इसमें अगर आप 9 से भाग कर रहे हो तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे अगर पूछू आपसे कि जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा तो बताओगे त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल आएगा 189.97 किलोमीटर आएगा। यह कैसे आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई जो ऊपर वाला पोर्शन है इस ऊपर वाले पोर्शन का मल्टीप्लाई करना आप, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देना आप उसमें से 9 से भाग कर दोगे, तो भाग करने के बाद आपको पता चलेगा जो भागफल आएगा वह 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, क्योंकि जो त्रिज्याखंड की त्रिज्या दिया था 16.5 किलोमीटर दिया था, इसीलिए जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा वह किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक ना। जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा वह किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर नहीं दिख रहा है सर, ज्ञानदीप कुमार कर रहे हैं, निशांत सिंह कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, मुझे तो लगता है साफ आपको दिखाई दे रहा होगा।
क्लियर तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप। एक बार बताइए सवाल क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। इसका यहां पे सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो सवाल बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं। अगर ये सवाल क्लियर हो गया हो तो इसके बाद हम लोग इसके अगले सवाल को सॉल्व करना प्रारंभ करें। ज्ञानदीप कुमार करे क्लियर है सर, अंकित पाठक करे सही नहीं है। अंकित पाठक कहां पे प्रॉब्लम बताओ कमेंट करके। रवि कह रहे हैं कि सर बड़ा लिखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है रवि इसके बाद मैं बड़ा लिखूंगा। अंकित पाठक करे वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो में क्या प्रॉब्लम है अंकित एक बार कमेंट करके बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में। हिमांशु यादव करे साफ नहीं दिख रहा है सर। हिमांशु यहां पर तो साफ दिखाई दे रहा है जी। एक बार सभी लोग वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप लोग तो आपको साफ दिखाई देगा। सर इसको देखिए करे बच्चे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए अब इसके अगले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका 13वां सवाल देखिए आप लोग। देखिए यह सवाल क्या कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है, ठीक ना। इस सवाल में आपको फिगर दिया है, साथ साथ यह कह रहा है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। आपको क्या कह रहा है सवाल में कि जब आप डिजाइन को बना ले हो तो डिजाइन को बनाने में आप कितने रुपए खर्च कर रहे हो उसी का मान आपसे क्या कर रहा है सवाल में पूछ रहा है, ठीक ना। तो आपके सवाल में 6 डिजाइन बनाया गया है तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो 6 डिजाइन आप बना रहे हो उस 6 डिजाइन को बनाने में कितना क्षेत्रफल यूज हो रहा है। पहले आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो। और आपको सवाल में पता है कि जब आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का डिजाइन बनाते हो तो उसके लिए आपको 0.35 रुपया क्या करना पड़ता है देना पड़ता है। तो अगर आप यह निकाल लेते हो कि कुल डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है, क्या निकाल लेते हो, अगर यह निकाल लेते हो कुल डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है और उसमें क्या कर देते हो 0.35 से मल्टीप्लाई कर देते हो आप, तो उससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप कुल कितना रुपया डिजाइन को बनाने में खर्च कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपसे आपको यह पता चल जाएगा कि डिजाइन को बनाने में आप कितना रुपया क्या कर रहे हो खर्च कर रहे हो। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे मैं जो सवाल में फिगर दिया है उस फिगर को बना रहा हूं, ठीक ना। यहाँ पे सवाल में कुछ फिगर आपको इस तरीके से बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरीके से कोई वृत्ताकार मेज पोस्ट है,
यहां पे, और इसमें छह डिजाइन बनी हुई है, ठीक ना। यहां पे इसमें छह डिजाइन बनी हुई है, यहाँ पे इस तरीके से आपको सवाल में डिजाइन बनाया हुआ दिखाई दे रहा होगा। ना एक दो तीन चार पांच छह, इस प्रकार से कोई वृत्ताकार मेजपोश है और इस मेजपोश पे छह डिजाइन इस तरीके से बनाई गई है, ठीक ना। तो आपको पहले ये करना है कि जो मेजपोश सब दिया है, इस मेजपोश पे जो डिजाइन बनी है, इस डिजाइन का पहले निकाल लीजिए क्षेत्रफल क्या होगा। दीप राज यादव कह रहे मैं लेट हो गया, दीप राज यादव थी। अब इसके बाद जो सवाल इसको देखिए, समझिए, समझ में आएगा आपको। और यहाँ पे जो मेजपोश है इसकी, यहाँ पे क्या मान लीजिए केंद्र है, अगर मैं इसको मिला देता हूं इस तरीके से, इसको इस तरीके से मिलाता हूं और इसको इस तरीके से मिला देता हूं, इस तरीके से करके, और इसको मैं इस तरीके से मिला देता हूं, इस तरीके से, ठीक ना। तो देखिए क्या करिए आप, अगर आपको यहाँ पे जो डिजाइन बना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले आप क्या कर लीजिए, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए आप, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अगर एक डिजाइन का क्षेत्रफल अगर आपको पता हो जाता है, तो उसी में क्या कर लीजिए, छह से मल्टीप्लाई कर दोगे तो छह डिजाइनों का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, आपको एक दो तीन चार पांच छह, छह डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे आपको छह डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या कर लीजिए कि अगर एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हो और एक डिजाइन के क्षेत्रफल में अगर आप क्या करते हो, छह से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यहाँ पे जो छह डिजाइन है उसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको पता हो जाएगा। तो पहले अगर एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, अगर मैं जो यहाँ पे मेजपोश है इसके केंद्र को मैं ओ का नाम देता हूँ, ओ हो जाएगा, और यहाँ पे इस बिंदु का आप ए नाम दे दीजिए और इस बिंदु का नाम बी दे दीजिए और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम दे दीजिए सी है। तो अगर आपको इस डिजाइन का क्षेत्रफल अगर आपको पता करना है, ठीक ना, मान लीजिए अगर एक डिजाइन का क्षेत्रफल अगर आपको पता करना है तो कैसे निकलेगा, पहले अगर आप त्रिज्यखंड ओ ए सी बी अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो बताओगे ओ ए सी बी, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप क्या कर लीजिए कि जो यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो बताओगे कि जो बचा हुआ क्षेत्रफल बचेगा वह किसका क्षेत्रफल बचेगा, इस डिजाइन का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। अगर आपको एक डिजाइन का क्षेत्रफल अगर पता हो जाता है, तो उसी में क्या करिए आप, छह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर छह से मल्टीप्लाई कर देते हो आप, तो बताओगे यह छह जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला काम यह होना चाहिए आपका कि आप निकाल लीजिए जो त्रिज्यखंड ओ ए सी बी है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप क्या कर लीजिए कि जो यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसमें से घटा दीजिए। जब त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसमें से घटा दोगे, तो बाकी जो बचेगा क्षेत्रफल वह किसका क्षेत्रफल बचेगा, तो बताओगे डिजाइन का क्षेत्रफल बचेगा। और अगर आपको एक डिजाइन का क्षेत्रफल पता हो जाता है, उसी में क्या कर लीजिए आप, छह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो यहाँ पे आपको छह डिजाइन दिखाई दे रहा है, तो छह डिजाइन का क्षेत्रफल आपको क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो अगर आपको निकालना है
अगर यहां पे निकाल रहा हो कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल, अगर एक डिजाइन का क्षेत्रफल अगर आप निकाल ले हो तो कैसे निकालोगे? अगर एक डिजाइन का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप बताओगे कि निकाल लीजिए त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। यहां आप लिखोगे त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। अगर आप निकाल ले हो तो यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर आप क्या करते हो, घटा देते हो त्रिभुज ओ बी ए इसका क्षेत्रफल घटा दो, या तो ओ ए बी इसका क्षेत्रफल घटा दो तो किसका क्षेत्रफल बच जाएगा? डिजाइन का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो यहां माइनस करके लिखोगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो आप अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हो, थीटा अपर 360 डिग्री आगूढ़े बताओगे पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस कर लीजिए आप। अगर यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? देखिए ध्यान से, अगर मैं पूछूं आपसे कि जो यह मेजपोष बना है इसमें मेजपोष की त्रिज्या कितना है, तो आप बताओगे मेजपोष की त्रिज्या सवाल में दिया है 28 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो मेजपोष है इसकी त्रिज्या सवाल में 28 सेंटीमीटर दिया है, तो बताओगे कि ये भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बताओगे कि जो यह वाला होगा ये भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप इस त्रिभुज को देख रहे हो तो त्रिभुज ओ ए बी है, या बताओगे यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो यह जो त्रिभुज बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि इसमें दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर पूछूं आपसे कि यह कोण बता दीजिए, जो यहां प्रत्येक त्रिज्यखंड बन रहा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का अगर आपको क्या करना है, इसके केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित हो रहा है, अगर इसका मान चाहिए तो कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, अगर पूछूं आपसे कि जो यह मेजपोष है इसके केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा, तो बताओगे इसके केंद्र पे 360 डिग्री का कोण अंकित होगा, ये बताओगे ना। अगर पूछूं आपसे कि जो यह मेजपोष बनाए हो इस मेजपोष के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा, तो बताओगे 360 डिग्री का कोण अंकित होगा। और जो 360 डिग्री का कोण अंकित हो रहा है, लेकिन अगर बताओगे आप कि जो यह कोण होगा 1 2 3 4 5 6 छह भागों में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर छह भागों में डिवाइड हो जाएगा तो बताओगे इसमें छह से भाग करने के लिए, अगर छह से भाग करने के लिए बताओगे तो 360 में छह से भाग करते हो तो बताओगे 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप बताओगे कि जो प्रत्येक त्रिज्यखंड आपको दिखाई दे रहा है उसके केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंकित होगा, तो बताओगे भी 60 डिग्री का कोण अंकित होगा, ए भी 60 डिग्री का कोण अंकित होगा, ए भी 60 डिग्री का कोण अंकित होगा, और ए भी 60 डिग्री का कोण अंकित होगा, और ए भी 60 डिग्री का कोण अंकित होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको यह वाला कोण भी बताओगे कितना डिग्री बनेगा, बताओगे 60 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैंने बताया था कि अगर कोई कोण आपको पता है किसी त्रिभुज की, अगर दोनों त्रिभुज, अगर जो त्रिभुज है वह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज का फार्मूला में बताया था क्षेत्रफल के लिए 1/2 कर दीजिए आर स्क्वायर साइन थीटा कर लीजिए, ठीक है ना। क्या बताओगे फार्मूला? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हो तो थीटा का मान बताओगे कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, अपान में कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अगूढ़े पाई का मान अगर पूछो सवाल में दिया है कि नहीं, तो पाई का मान अगर नहीं दिया तो 22/7 रख लीजिए, तो पाई का मान आपको नहीं दिया है, इसका मतलब आपको क्या समझना है, तो 22/7 समझना है, ठीक ना। पाई का मान क्या समझना है, 22/7, तो 22/7 हो जाएगा। और उसके बाद अगर पूछूं आपसे कि जो मेजपोष है इसकी त्रिज्या कितना है, तो बताओगे तो मेजपोष की त्रिज्या इक्वल टू आपको 28 सेंटीमीटर है। अगर 28 सेंटीमीटर है
तो यहाँ बताओ कि आर का मान कितना हो जाएगा, तो बताओगे 28 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है तो बताओगे 28 × 28 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस है तो माइनस को आप लिख लीजिए, 1/2 है तो 1/2 को लिख लीजिए। अगर पूछो आपसे आर क्या है तो बताओगे कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है वही एक भुजा है। तो अगर इस त्रिभुज को आप देख रहे हो ए ओ ए बी को, तो इस त्रिभुज में आप बताओगे जो ओ ए भुजा है यह वाली भुजा ओ बी भुजा के क्या है, बराबर है। अगर ओ ए भुजा ओ बी भुजा के बराबर है तो आप बताओगे आर का मान कितना लेने के लिए, तो बताओगे 28 सेंटीमीटर लेने के लिए, तो यहाँ पे आर का मान 28 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे क्या करोगे 28 × 28 कर दोगे, ठीक ना। और इसके बाद बताओगे साइन थीटा, अगर साइन थीटा लिख रहे हो तो यहाँ पे साइन और थीटा का मान बताओ कितना डिग्री है, तो बताओगे 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन अगर कर रहे हो आप तो बताओगे 0 से 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ बताओ कितना का 6 हो जाएगा, और इसको अगर काट रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 4 होता है 28, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो और इसको काटोगे तो 2 × 3 = 6 होता है और 2 × 2 = 4 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक ना। आप ऊपर अगर देख रहे हो ध्यान से तो आपको 22 दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ आपको 28 दिखाई दे रहा है, और नीचे अगर ध्यान से देखिए आप तो आपको नीचे बस 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। माइनस है तो माइनस को आप छाप लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, अगर 2 से काटोगे तो यहाँ बताओगे 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 × 2 कितना होता है 28 होता है, तो अगर 28 को 2 से काटोगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 लिख लीजिए। गुणे 28 है तो 28 कर लीजिए अगुणे, अगर पूछो आपसे साइन कितना है, साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान मैं पूछूं आपसे क्या होगा, तो बताओगे साइन 60 डिग्री का मान तो होता है कड़ी में 3/2 होता है, कितना बताओगे, साइन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो कड़ी में 3/2 को आप लिख लीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो बताओगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के लिए, तो यहाँ 22 है तो 22 लिख लीजिए और गुणे, यहाँ पे 28 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओगे 8 × 2 = 16 होता है, 6 लिख लोगे, 2 × 2 = 4 = 5 हो जाएगा, मतलब 28 × 2 बताओगे 56 होता है, तो 56 लिख लोगे, और नीचे आप 5 में बताओगे 3 हो जाएगा माइनस। इसके बाद क्या कर लीजिए कि इस 2 से यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बताओगे 14 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर जो होता है बताओगे 196 होता है, तो 196 हो जाएगा, और जो कड़ी में 3 होता है, कड़ी में 3 का मान बताओगे, जो कड़ी में 3 होता है, कड़ी में 3 का मान बताओगे 1.73 होता है, क्या होता है, कड़ी में 3 का मान 1.73 होता है, तो यहाँ पे 1.73 कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आप, अगर इसका कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो इसका कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं इस तरीके से, कुछ यहाँ पे क्या कर लीजिए 22 में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 56 से, जब 22 का मल्टीप्लाई 56 से करोगे तो हो जाएगा 1232 हो जाएगा, ठीक ना। 22 का मल्टीप्लाई 56 से करोगे तो 1232 हो जाएगा, और यहाँ बटा पे कर लो 3 हो जाएगा, और माइनस तो माइनस कर लीजिए, और उसके बाद क्या कर लीजिए आप 196 में मल्टीप्लाई करवा लीजिए आप 1.73 से, ठीक ना। 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे इसका मान आएगा 339.08 आ जाएगा, ठीक ना। जब आप 196 में 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 339.08 हो जाएगा, तो यहाँ पे 339.08 हो जाएगा, ठीक ना। आप इसके बाद क्या कर लीजिए आप 1232 में, 1232 में आप क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए 3 से, तो भाग करोगे तो बताओगे 410.66 आएगा इस तरीके से करके, तो आप 2 ही अंक ले लीजिए, तो यहाँ पे 410.66 यहाँ पे हो जाएगा 66, और माइनस में क्या कर लीजिए आप 339.08 यहाँ पे 08 हो जाएगा, तो यहाँ पे 339.08 हो जाएगा, ठीक ना। आप इसके बाद क्या कर लीजिए आप यहाँ पे 410.66 में से
आप 339.08 को घटा दीजिए। तो अगर घटा रहे हो तो यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा तो बताओगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बचेगा तो बताओगे 5 बचेगा, तो यहाँ 5 लिख लीजिए दशमलव। यहाँ पे कितना बचेगा तो बताओगे यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे अगर हासिल लेके जा रहे हो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा तो बताओगे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हासिल यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 में से 3 लेके जाते हो तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो बताओगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 71.58 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे जो 71.58 आया है वह मैं पूछूं आपसे किसका छिटफल आया है तो बताओगे एक डिजाइन का छिटफल आया है। कितना बताओगे आप बताओगे एक डिजाइन का छिटफल इक्वल टू 71.58 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। क्या है अगर पूछूं आपसे एक डिजाइन का छिटफल इक्वल टू कितना होगा तो बताओगे 71.58 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन ध्यान दीजिए आपको इसमें 6 डिजाइन दिया है ना, अगर एक डिजाइन का छिटफल इक्वल टू इतना है तो पूछो आपसे 6 डिजाइन का छिटफल इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल टू 6 डिजाइन का छिटफल इक्वल टू, अगर एक डिजाइन का छिटफल आप बता रहे 71.58 है, अगर 6 डिजाइन का छिटफल निकालना चाहते हो आप तो बताओगे 6 × 71.58 हो जाएगा, ठीक ना। आप इसके बाद क्या कर लीजिए आप 71.58 में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 6 से। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप इसका मान आ जाएगा 429.48 आएगा, ठीक ना। अगर आप क्या करते हो कि 6 का मल्टीप्लाई 71.58 में करते हो तो इसका मान आएगा 429.48, और मैं पूछूं आपसे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो यहां से आप यह निकाल लियो कि जो यह मेजपोस बना था इस मेजपोस के प्रत्येक डिजाइन का मैं पूछूं क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब जो प्रत्येक डिजाइन है जो 6 डिजाइन है इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल अगर पूछो कितना होगा तो बताओगे 429.48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। या तो आप यह निकाल लियो कि प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो आप इसके बाद हम लोग 6 डिजाइन को बनाने में कितना रुपया खर्च होगा इसका मान निकालेंगे। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि यह क्लास यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, या जो सवाल बताया हो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। दीपराज यादव कह रहे हैं कि सर आप चंद्रशेखर इंटर कॉलेज में गए थे क्या? दीपराज यादव जी मैं चंद्रशेखर इंटर कॉलेज में नहीं गया था। दीपराज यादव कह रहे हैं अविनाश सर आज पढ़ाएंगे, दीपराज यादव जी पढ़ाएंगे आप लोगों को इसके बाद। दीपराज यादव कह रहे एकदम क्लियर है। ज्ञानदीप कुमार कह रहे यस सर क्लियर है। अंकुश चौधरी कह रहे गुड इवनिंग सर। आदित्य सिंह कह रहे हुआ, यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? अगर यहां तक क्लियर हो गया हो आपको तो यहां से हम लोग यह निकाल लेते हैं कि जो डिजाइन आप बना रहे हो डिजाइन को बनाने में कितने रुपए आप खर्च कर रहे हो इसका भी मान आपको निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे अभी आपको बताता हूं। पहले यहां तक सभी लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम
अब देखिए इसके आगे के सवाल में सॉल्व करता हूं। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आप निकाल लेता हूं कि डिजाइनों को बनाने में कुल कितना लागत लग रही थी। यहाँ पे लिख रहा हूं डिजाइनों को बनाने में कुल लागत, यहाँ पे क्या निकालना आपको कि डिजाइनों को बनाने में कुल कितना रुपया क्या करते हो, डिजाइनों को बनाने में लगा रहे हो, इसी का मान आपके सवाल में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। लेकिन सवाल में एक बात और कर रहा है कि आप जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन को बना रहे हो तो आपको 0.35 रुपया क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, ठीक ना। जब आप डिजाइन को बना रहे हो मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के डिजाइन को बना रहे हो तो उसको बनाने के लिए आपको 0.35 रुपए की आवश्यकता पड़ रही है। तो आपको अगर पूछूं आपसे कुल कितना डिजाइन बनाना है तो बताओगे 429.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना डिजाइन बनाना है। और आपको पता है कि जब एक सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन को बनाते हो तो आपको कितना रुपया देना पड़ता है, तो बताओगे 0.35 रुपया देना पड़ता है। अगर आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के डिजाइन को बनाते हो तो आपको अगर 0.35 रुपया देना पड़ता है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कुल कितना डिजाइन बनाना है तो बताओगे 429.48 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाना है। तो अगर मैं पूछूं आपसे इसको बनाने में कितना रुपया आपको देना पड़ेगा तो आप बताओगे 0.35 से इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए गुणे करके 0.35 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हो आप तो जो इसका मान आएगा वही क्या होगा, कुल लागत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं 429.48 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 0.35 से। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका जो मान होगा 150.318 रुपया होगा, ठीक ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो ये मेजपोस की डिजाइन ना बना रहे हो, इस मेजपोस की डिजाइन बनाने में अगर पूछूं आपसे कुल कितना रुपए लागत लगाओगे तो बताओगे 150.318 रुपया क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, ठीक ना। इसी के साथ ये सवाल आपका समाप्त होता है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि सवाल क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। दीप राज यादव कह रहे हैं शिवा सर की तबीयत कैसी है। दीप राज यादव जी, शिवा सर की तबीयत सही है, अगर यह सवाल हो गया हो तो आप इसके बाद हम लोग 12.2 का लास्ट सवाल ले लेते हैं। दीप राज यादव कर एकदम क्लियर। ज्ञानदीप कुमार कह रहे क्लियर है सर। अगर यह सवाल क्लियर हो गया तो हम लोग 12.2 का लास्ट सवाल लेते हैं, ठीक ना। जो 12.2 है इसके लास्ट सवाल को हम लोग लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बाद हम लोग इसके अगले सवाल को सॉल्व करना प्रारंभ करें। इस सवाल को मैं मिटा रहा हूं। ये सिस्टम को गेट से पूजा को आने के लिए है क्या? गेट पर बार 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 बनाया जा रहा है, गेट पर क्या है?
अब देखिए इसका लास्ट सवाल क्या कह रहा है। लास्ट सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, आपको क्या करना है, सही उत्तर को चुनना है। और कह रहा है त्रिज्या कैपिटल आर वाले, त्रिज्या कैपिटल आर वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका पी, जिसका कोण पी कितना डिग्री दिया, जिसका कोण जो दिया वो पी डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मतलब कोई वृत्तखंड इस तरीके से, मान लो यह कोई वृत्त है, यह कोई इस तरीके से वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है, सवाल में आपको दिया कैपिटल आर है, आप इस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर कर लीजिए और यह वृत्त का क्या केंद्र ओ है। और एक वृत्त की त्रिज्या मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, ये भी कितना हो ये बताओ, कैपिटल आर ही होगा, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और अब बताओ कि दोनों वृत्त की त्रिज्या और जो इसके संगत चाप है, इसी से जो घिरा क्षेत्रफल होता है उसी को हम लोग त्रिज्यखंड का नाम देते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो यह त्रिज्यखंड होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे सवाल में क्या कर रहा है पूछ रहा है। अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे सवाल में पूछ रहा है तो आप जानते हो, और यहाँ पे एक बात और कह रहा है कि जो त्रिज्यखंड है उसके केंद्र पे कितने डिग्री का कोण आंतित हो रहा है, तो उसके केंद्र पे जो कोण आंतित हो रहा है वह कितने डिग्री का हो रहा है, पी डिग्री का कोण आंतित हो रहा है। ठीक ना, जो यहाँ पे त्रिज्यखंड बन रहा है इस त्रिज्यखंड के केंद्र पे अगर पूछो कितने डिग्री का कोण आंतित हो रहा है, तो बताओगे पी डिग्री का कोण आंतित होगा। तो आपको चार विकल्प दिया है, पहला विकल्प में आपको दिया है पी अपान 180 डिग्री अगुणे 2 पाई आर होगा। बी वाला विकल्प आपको दिया है पी अपान 180 डिग्री अगुणे पाई आर स्क्वायर होगा। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है पी अपान 360 डिग्री अगुणे 2 पाई आर दिया है। और चौथा विकल्प आपको दिया है डी वाला पी अपान 270 गुणे और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो आपसे यह पूछ रहा है कि यह जो त्रिज्यखंड होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला वाला होगा पी अपान 180 गुणे 2 पाई आर होगा, कि दूसरा विकल्प होगा पी अपान 180 अगुणे पाई आर स्क्वायर होगा, कि तीसरा विकल्प पी अपान 360 डिग्री अगुणे 2 पाई आर होगा, कि चौथा विकल्प पी अपान 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक ना, इन्हीं चार विकल्प में से एक विकल्प जो होगा वह सही होगा। तो अगर पहले विकल्प के बारे में सोच रहे हो, देखो ध्यान से, तो आप बताओगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे यह वाला तो फार्मूला होगा नहीं, यह होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा अपान 360 डिग्री अगुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर आपको क्षेत्रफल निकालना तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो है ही नहीं है, इसका मतलब यह तो होगा ही नहीं, तो पहला विकल्प गलत है। अगर दूसरे विकल्प के बारे में सोच रहे हो आप, तो देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर इसमें तो मिलना है, लेकिन यहाँ पे जो थीटा का मान पी है तो पी भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे कितना है 180 डिग्री है। अगर 360 डिग्री रहता तो यह वाला विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता, इसका मतलब जो दूसरा विकल्प है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको थीटा अपान 360 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे क्या है थीटा का मान आपको सवाल पी डिग्री दिया है, तो यहाँ पी बटा 360 रहता, पी बटा 360 रहता तो इसका यह वाला ऑप्शन सही रहता, लेकिन यहाँ पे 360 डिग्री है नहीं, इसका मतलब जो दूसरा विकल्प होगा ये भी गलत हो जाएगा। अगर तीसरे विकल्प के बारे में सोच रहे हो आप, तो तीसरा विकल्प पी बटा 360 अगुणे 2 पाई आर दिया है, लेकिन देखिए पी का थीटा का मान पी दिया है और 360 है ही, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर दिया है, क्या रहना चाहिए पाई आर स्क्वायर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं, इसका मतलब तीसरा विकल्प भी नहीं होगा। अगर पूछो चौथा विकल्प होगा कि नहीं, तो बताओ चौथा विकल्प हो जाएगा, कैसे होगा देखिए ध्यान से, अगर मैं पूछू थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान बताओगे पी हो जाएगा, तो पी बटा 360 और गुणे बताओगे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं दो से गुणा और भाग कर देता हूँ, जब दो से गुणा और भाग करोगे आप, तो यहाँ से क्या बताओगे पी अपान 360 डिग्री अगुणे 2 पाई आर स्क्वायर, अपान में क्या हुआ 2 हो जाएगा। आप बताओगे कि 360 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, 360 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे पी बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा अगुणे 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो जो चौथा विकल्प है यह मिल रहा है ना, क्योंकि पी अपान
पी अपान 720 अगुणे 2 पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे मान निकाल लो तो इसका भी मान यही आया है। तो अगर पूछो आपसे इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा तो बताओगे कि जो चौथा विकल्प होगा वही इसका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि जो सवाल बताया हो क्लियर हुआ कि नहीं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि तो यह सवाल बताया हो क्लियर हुआ कि नहीं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। और सर एकदम ही क्लियर है। ज्ञानदीप कुमार कह रहे हैं क्लियर है सर। आदित्य सिंह कह रहे हैं क्लियर है। संतोष सिंह कह रहे हैं क्लियर है। रवि कह रहे हैं सर यस सर चार नंबर सही है। ठीक है ना, इसका जो चौथा विकल्प है वही सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, कैसे काम चला? वीडियो को लाइक करो। अगर आपको समझ में आ रही है बातें हमारी तो आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए। अगर आपको बातें समझ नहीं आ रही है तो मत लाइक करो, लेकिन अगर बातें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, रवि कह रहे हैं कि यस सर चार नंबर सही है। ठीक, इसका जो चौथा विकल्प है वही सही हो जाएगा। इसी के साथ आप लोगों की जो 12.2 है इस प्रश्नावली को मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। इसके बाद हम लोग जो 12.3 है इसमें का एक दो सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक ना, इसके बाद आप लोग को अभिनव सर बायोलॉजी क्लास लेकर आएंगे। सॉरी सर हम लाइक करना भूल गए थे। ठीक है दीपराज यादव जी, लाइक कर दीजिए बस। देखिए आप लोग, हम लोग इसके बाद जो प्रश्नावली आप लोगों की है 12.3 है इसके सवालों को भी हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि 12.2 के सभी सवालों को मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। आप इसके बाद हम लोग जो 12.3 है इसके सवालों को हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से आप एक एक सवालों को समझते चलिए जिससे आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे देखिए आप लोग 12.3 के जो पहला सवाल है यहाँ प्रश्नावली भी लिख देता हूँ। जो प्रश्नावली आपकी चलेगी, आप प्रश्नावली 12.3 चलेगी। ठीक ना, क्योंकि मैंने 12.2 के सभी सवालों को आपको सॉल्व करवा दिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको सब सवाल मिल जाएगा। कल मैंने सबसे किया था। ठीक है दीपराज यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे जो प्रश्नावली आपकी 12.3 है इसका पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। जो प्रश्नावली 12.3 है इसके सवाल को आप ध्यान से देखिए। आपके पास किताब होगी तो आप किताब को अपने पास खोल कर बैठा करिए और साथ साथ में आप अपने पास रफ और पेन भी लेकर बैठिए। जो सवाल मैं बताता हूँ उसको सॉल्व करते रहिए और साथ साथ अपने जो किताब है उसमें सवालों को भी पढ़ते रहिए, जिससे आपको जब सवालों को पढ़ोगे खुद से तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होता रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 12.3 है अगर मैं इसका पहला सवाल ले रहा हूँ, देखिए इसका क्या पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है और पाई का मान सवाल में 22/7 क्या करना है लेने के लिए कर रहा है। ठीक ना, आपके सवाल में जो ये सवाल दिया इसका फिगर आपकी किताब में दिया है। ठीक ना, जो सवाल आपको पहला सवाल दिया है इसका फिगर आपको सवाल में आपकी किताब में दिया है। मैं पहले क्या करता हूँ फिगर को बनाता हूँ। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप एक वृत्त बना लीजिए। यहाँ पे
एक बीत बना लीजिए। यहाँ पे देखिए एक वृत्त आपको है और यह वृत्त का केंद्र है, ठीक है। देखिए जो सवाल ने फिगर दिया है, इस फिगर को मैं बनाता हूँ। यहाँ पे इसका व्यास कहा जाएगा, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, इसी को आप लोग वृत्त का व्यास कहते हो। यह वृत्त का व्यास हो जाएगा। अब फिर फिगर कुछ इस तरीके से आपको दिया है, फिगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया है। यहाँ पे देखिए जो वित्त का केंद्र है उसको नाम दिया है ओ है। वित्त का केंद्र कितना ओ है और इसकी जो जीवा है यहाँ पे क्यू आर है। जो वित्त की जीवा है वह कितना एक बताओ क्यू आर है। जीवा जो वित्त का व्यास है वह क्यू आर है, ठीक ना। और यहाँ पे यह बिंदु पी है। आपको यहाँ पे जो छायांकित भाग है, यहाँ पे कर रहा हूँ, इस छायांकित भाग का आपको क्या कर रहा है सवाल में, क्षेत्रफल पूछ रहा है कि जो ये छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी का मान सवाल में आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर इस भाग का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, कैसे निकालोगे ध्यान से देखिए। अगर पूछूं आपसे कि PQ का मान कितना दिया है, देखिए जो मान आपको सवाल में दिया उसको लिख लीजिए आप। तो सवाल में PQ का मान दिया है 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ बताओगे PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। मतलब जो तो यह PQ जीवा है, इस जीवा की लंबाई सवाल में कितना दिया है, तो बताओगे 24 सेंटीमीटर है। तो यह 24 सेंटीमीटर जो होगा इस वृत्त की जीवा हो जाएगी और इसका मान सवाल में 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। उसके बाद सवाल में आपको जो पी आर है, पी आर कौन पूछा है, तो बताओ कि पी आर या पूछा है और इसकी लंबाई सवाल में दिया है 7 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप बताओगे कि यहां से पी आर इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगर यहां से मैं पूछूं आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे कि जो आर क्यू है, यह जो आर क्यू पूछा है, मतलब इस वृत्त का जो व्यास है इसका मान आपको नहीं पता है कि वृत्त का व्यास कितना है। तो वृत्त का व्यास अगर पता हो जाता तो आप कैसे निकालोगे क्षेत्रफल, इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। अगर आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करना है कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। अगर क्या करते हो आप कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कह लो, या तो आप क्या कर लो कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लेते हो तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको इसके अंदर एक त्रिभुज इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना। तो अगर आप क्या करते हो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हो और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आप जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज क्यू पी आर है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसमें से घटा देते हो तो जो बाकी बचेगा, तो बताओगे कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल पता हो जाएगा ना। क्योंकि आपके सवाल में कह रहा है कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप देख रहे हो कि जो क्यू आर भुजा है यह इस वृत्त की व्यास कहलाएगी। और आप जानते हो कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसी को आप लोग क्या कहते हो, वृत्त का व्यास कहते हो। और आप जानते हो जो व्यास होता है वह वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है तो बताओगे जो इस तरीके से यह वाला भाग होगा और इस तरीके से यह जो वाला भाग बनेगा यह अर्धवृत्त बन जाएगा। अगर आप क्या करते हो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो यह पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा इस तरीके से। अगर क्या करते हो, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से आप जो यहाँ पे त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से घटा देते हो तो बाकी जो बचेगा आप बताओगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल उसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक ना। आपसे सवाल में छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस सवाल में पूछ रहा है। तो पहले आपका काम यही होना चाहिए कि जो यह वृत्त है इस वृत्त का व्यास निकाल लीजिए। अगर वृत्त का व्यास निकालना चाहते हो आप तो कैसे निकालोगे, देखो अगर यहाँ पे देखो यह वाला जो कोण बनेगा वो कितना बताओगे, तो बताओगे यह वाला कोण कितना बनेगा, तो बताओगे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यह वाला कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो बताओगे 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी
आप बताओगे क्यू आर भुजा होगी, क्योंकि अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसको आप लोग क्यू आर का नाम दोगे। और आप जानते हो कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का बनता है तो वह त्रिभुज क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो आप बताओगे कि जो त्रिभुज क्यू पी आर है वह कोई समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने जो क्यू आर भुजा होगी वह बताओ कर्ण का कार्य करेगी, और जो पी आर भुजा होगी इसको आधार का नाम दे सकते हो, और जो क्यू पी भुजा होगी वह किसका नाम दे सकते हो, आप लंब का नाम दे सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल, ठीक ना। यहाँ पे लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, बस देखो क्षेत्रफल भी मत निकालो, पहले निकाल लो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अगर मैं समकोण त्रिभुज पी क्यू पी आर में लेता हूं तो आप देख रहे हो यह समकोण त्रिभुज है, और इसमें अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं, जो यह समकोण त्रिभुज है इस समकोण त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप तो यहाँ बताओ कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कर्ण का मान कितना है तो बताओगे क्यू आर होगा, तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर कर दोगे। और मैं पूछूं लंब कितना है तो बताओगे क्यू पी है इसका स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस आधार कितना है तो बताओगे पी आर है इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना। अगर पूछूं आपसे क्यू पी का मान क्यू आर का मान कितना तो बताओगे नहीं पता, तो क्यू आर को क्यू आर आने दीजिए आप, तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का मान कितना है तो बताओगे क्यू पी का मान कितना है तो बताओगे 24 है। कितना बताओगे, जो इसका मान 24 है लेकिन यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस पी आर का मान कितना है बताओगे 7 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर लीजिए। इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 24 का स्क्वायर करोगे तो इसका मान आएगा 576 आएगा, तो 24 का स्क्वायर में रखता 576, और प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर करोगे बताओगे 49 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ। यहाँ तक सवाल क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ। ब्लाइट एक बार कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं सवाल। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो इसके आगे मैं सवाल बताऊं। अब देखिए इसके बाद क्या कर लीजिए, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, यहाँ 15 हो जाएगा तो 5 कर लीजिए, और यहाँ पे 11 और 1 कितना होगा 12 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, और एक हासिल बचेगा 5 एक 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 625 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू बताओ 625 है तो क्यू आर इक्वल टू निकालोगे तो यहाँ बताओ अंडर रूट में 625 हो जाएगा, और जब 625 का मान निकालोगे तो यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू बताओगे 25 सेंटीमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा तो बताओगे क्यू आर का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब जो यह वाली भुजा होगी वह बताओगे 25 सेंटीमीटर की होगी। अगर यह वाली भुजा 25 सेंटीमीटर की है तो बताओगे कि 25 सेंटीमीटर इस वृत्त का व्यास होगा। अगर पूछूं आपसे वृत्त का व्यास कितना होगा तो वृत्त का व्यास बताओगे आप, वृत्त का व्यास बताओगे 25 सेंटीमीटर है। अगर वृत्त का व्यास 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे त्रिज्या बताओगे 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। या तो आप बताओगे इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा
आप देखो अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आप लिख रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए आप वो तो बताओगे, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए आप वो बताओगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आप बताओगे त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल। क्योंकि क्या करोगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो आप फार्मूला जानते हो 1/2 आधार गुणी ऊंचाई होता है। अगर किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि आप देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसी फार्मूले का मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूज करता हूँ, यहाँ पे 1/2 आधार का मान कितना होगा तो बताओगे आधार का मान यहाँ पे पी क्यू है पी आर है, और मैं पूछू ऊंचाई कितना हुआ तो बताओगे पी क्यू हो जाएगा, यहाँ पी क्यू कर लीजिए ठीक ना। इसमें से क्या कर लीजिए रन लीजिए इसी तरीके से 1/2 कर लीजिए, पाई का मान सवाल में आपको दिया 22/7 रखने के लिए तो 22/7 ही रख लीजिए अच्छा लगेगा आपको, तो 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितना बताओगे तो बताओगे 25/2 हो जाएगा, तो 25/2 कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है इसीलिए क्या कर लीजिए 25/2 गुणे 25/2 कर लीजिए, माइनस है तो माइनस कर लीजिए आप, 1/2 है तो 1/2 कर लीजिए, और यहाँ पे मैं पूछूं आपसे पी क्यू का पी आर का मान कितना है तो बताओगे 7 है तो 7 कर लीजिए, और गुणे अगर पूछूं आपसे पी क्यू का मान कितना है तो बताओगे 24 है तो यहाँ पे 24 कर लीजिए ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व कर रहे हो आप तो बताओगे कि यहाँ पे 2 से काटोगे यहाँ पे 11 हो जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे बताओगे 625 हो जाएगा, और गुणे 11 तो 11 लिख लीजिए आप, और अपान में कितना हो जाएगा तो अपान बताओगे आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे बताओगे 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा ठीक ना। और इसके बाद क्या कर लीजिए माइनस, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इसको काटोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 × 14 = 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 × 7 और यहाँ पे कितना 1 + 8 हो जाएगा ठीक ना। इसके बाद क्या कर लीजिए आप, इसके बाद कर लीजिए आप काम यह कि 625 में इसके बाद क्या करें 625 से मल्टीप्लाई करिए आप 11 से, तो आप मैं कर देता हूँ 625 से मल्टीप्लाई करोगे आप 11 से इसका जो मान आएगा वो आएगा 6875 और बटा पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और माइनस में कितना होगा 84 होगा। आप क्या कर लीजिए इसी में भाग कर लीजिए आप, इसी में भाग कर लीजिए आप 28 से, तो जब 28 से भाग करोगे इसका मान आएगा 245.54 ले लीजिए, और माइनस क्या कर लीजिए आप इसी में से 84 को घटा दीजिए, तो अगर इसमें से घटाते हो 84 को तो जब 84 को घटाओगे तो इसमें आ जाएगा आपका मान 161.54 आ जाएगा ठीक ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो अगर पूछो आपसे कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो बताओगे छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वह 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ठीक ना। यहाँ पे जो छायांकित भाग है इसका मैं पूछू क्षेत्रफल कितना होगा तो 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अंशु कुमार करे गुड इवनिंग सर जी, अंशु कुमार अब तक कहाँ पे थे आप, मोनू भाई कर रहे हैं गुड इवनिंग सर, आप लोग इस टाइम तक क्या कर रहे थे, मैं क्लास को समाप्त करने वाला इस टाइम आप लोग जुड़ रहे हो कैसे काम चलेगा, कल सभी लोग टाइम से लाइव क्लास में जुड़िएगा ठीक ना। कल से आप लोगों की जो लाइव क्लास है आप शुरुआत से जुड़िएगा। प्रवीण यादव करे हाय सर, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं,
इसके बाद आप लोगों के सामने अविनाश सर बायोलॉजी क्लास लेकर आएंगे, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और कल की क्लास में हम लोग फिर 6 बजे लाइव क्लास में जुड़ेंगे, तो सभी लोग कल की लाइव क्लास में अवश्य जुड़ेंगे आज 6 बजे से। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, धन्यवाद।